हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेकर आज को हम फिर से एक और धमाकेदार वीडियो। आज का वाला वीडियो बहुत ही कमाल का वे इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पबजी मोबाइल या पबजी के आर वर्जन में हम क्यूक स्कोप को कैसे अनेबल कर सकते हैं और गाइज इससे हमें क्या फायदा होता है मैं आपको बता देता हूँ। गाइज हमें जो स्कोप अंदर से चेंज करने पड़ते हैं वो गाइज हम बाहर से ही चेंज कर सकते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से, और हमारा स्कोप बदलने में टाइम नहीं लगता। और गाइज अगर आप भी जानना चाहते हैं क्यूक स्कोप को कैसे अनेबल करते हैं तो वीडियो के साथ बने रहें। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में ऑल नोटिफिकेशन को भी दबा दें, ताकि इस तरीके की आने वाली वीडियो हमारी सबसे पहले आपको देखने के लिए मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सबसे पहले हमें स्टीर पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें सेटिंग ओपन कर लेनी है। तो गाइज इस तरीके से हमारी सेटिंग ओपन हो जाएगी और यहाँ पे हमें एक स्कोप का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। सिंपल तरीके से स्कोप पे क्लिक करना है। तो गाइज इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा और गाइज आप देख सकते हैं यहाँ से आपका जो ये ऑप्शन होगा ये ऑफ होगा। तो गाइज सिंपल तरीके से इस पे क्लिक करके हमें ये ऑन कर लेना है। हम जैसे ही ऑन करेंगे तो गाइज हमारा जो स्कोप चेंज करने का जो ऑप्शन होगा वो बाहर शो हो जाएगा। तो सिंपली तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ। कंट्रोल में जाना है, कंट्रोल पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें कंट्रोल को कस्टमाइज कर लेना है। गाइज कंट्रोल ओपन होने के बाद में आप देख सकते हैं हमारा जो क्यूक स्कोप है वो गाइज इस तरीके का दिखेगा, और इसे स्कोप को हम अपने हिसाब से अपनी स्क्रीन पे ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से हमें सेव पे क्लिक करके एग्जिट कर देना है। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।